हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस प्रोडक्ट पे मैं रिव्यू करूंगी वो है पीसीओएस टी। न्यूट्रीफाई कंपनी की पीसीओएस टी के बारे में बात करेंगे और साथ में बात करूंगी हाईली डिमांडिंग टॉपिक जो है वो है हार्मोन इम्बैलेंस का। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे। सेंसिटिव इशू है, आपने वीडियो को पूरा देखना है और मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में 22% वुमेन जो हैं वो इनफर्टिलिटी को फेस करती हैं। जी दोस्तों, मेरे ख्याल से अगर हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन हो, सही इलाज हो जाए उस बीमारी का, तो कितनी ही लेडीज हैं, कितनी ही हमारी प्यारी प्यारी बहनें हैं जिनका इलाज हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी उनको। तो आज मैंने सोचा एक छोटी सी मेरी तरफ से एफर्ट है, मेरी तरफ से अगर आप लोगों की हेल्प हो जाए तो इससे बड़ी और क्या चीज होगी मेरे लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पीसीओएस आखिर है क्या। पीसीओएस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, आपके जिस्म जो बॉडी है वो एंड्रोजन को ज्यादा प्रोड्यूस करता है जिससे आपकी चिन पे हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ा सिम्टम है कि अगर आपकी बॉडी पे आपकी चिन पे हेयर आना स्टार्ट हो गए हैं, इसका मतलब है कि आपको पीसीओएस हो चुका है, आपकी बॉडी में हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो चुके हैं। इसके अलावा इररेगुलर पीरियड्स, एक्नी, एक्सेसिव हेयर जिसकी मैं बात कर चुकी हूँ, आपका प्रेगनेंसी का ना होना और हेयर लॉस होना, ये सारी चीजें जो है पीसीओएस की तरफ इशारा करती हैं। ये जो टी है ना, ये मैंने आपके सामने ओपन की है, इसके अंदर काफी ज्यादा हर्ब्स ऐड किए गए हैं। इसको ओपन करने के बाद मैंने जब इसके अंदर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर जो है ना दालचीनी भी पीसी गई है, अदरक है जिसको पीसा गया है और भी काफी हर्ब्स हैं जो जिनको पीस करके ये एक टी बनाई गई है। और इस टी का बहुत हद तक फायदा है, इसके अंदर जो है स्टीविया डाला गया है जिससे ये मिठास में आता है ये कहवा। अगर आप लोग कड़वा कहवा नहीं पी सकते तो ये आप लाजमी ले लो, इसके अंदर है स्टीविया। स्टीविया के लीव्स डाले हैं जिससे ये मिठास में है, मजे का लगता है पीने में। पीसीओएस की लेडीज के मूड स्विंग्स रहते हैं, लो लिबिडो का मतलब है कि पीरियड्स कम आते हैं या होते ही नहीं है, हेडेक रहता है, नाइट स्वेट्स आते हैं, फूड क्रेविंग्स बहुत ज्यादा रहती हैं, मीठा खाने का दिल करता है, फेस पे इंतहा की एक्नी आ जाना, रात को नींद ना आना और बहुत ज्यादा थकावट रहना, ये सारी जो है ना पीसीओएस की तरफ ये निशानियां इशारा करती हैं। और साथ में अगर आपके एंड्रोजन लेवल, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई हो गया है, आपका वेट ज्यादा होने लग गया है तो भी ये टी बेस्ट है। अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा तो आप इसको पिए। दोस्तों जब आपकी पीसीओएस या आपके हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे तो आपको जो है ना इनफर्टिलिटी को फेस नहीं करना पड़ेगा, आपको प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। दोस्तों ऐसी कोई मर्ज नहीं है जिसका अल्लाह ने इलाज ना किसी चीज में रखा हो। मैंने ये जो ड्रिंक है ना, ये मैं खुद भी टी पीती हूँ, मेरी सिस्टर एंड मैंने जिन जिन को रेफर किया है उनकी तरफ से मुझे बहुत पॉजिटिव से रिव्यू मिले हैं। कम से कम आपने इसको 3 महीने तक यूज करना है। अगर आपका मूड चिड़चिड़ा रहता है, बैली जो है ब्लोटेड रहता है, आपको बेशुमार एक्नी हो रही है, क्रैम्स आते हैं पीरियड्स में, मूड अपसेट रहता है, तो ये भी साइन है पीसीओएस के। टी इज मैजिकल, बिलीव मी, ये टी के इस्तेमाल से आपकी ब्लोटिंग खत्म हो जाएगी, आपके फेस पे या फोरहेड पे आपकी एक्नी स्टार्ट हो गई है तो वो भी खत्म हो जाएगी, आपके मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, ये उसको भी ठीक करेगा, आपको रात को बहुत अच्छी नींद आएगी, रात को 1 कप पी के इसको सो जाएं। इसके पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स भी लिखे हैं, सारी चीजें लिखी हुई हैं, बस आपने क्या करना है कि आपने इसको इस्तेमाल करना है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि टाइम टू टाइम मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपके जहन में ये चीज आ रही होगी कि इसके साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, लेट मी क्लियर कि ये बिल्कुल हर्बल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको फायदा नहीं होगा ना तो इसका नुकसान भी कोई नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि हर्बल चीजों का कोई नुकसान नहीं होता। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर दालचीनी है, जिंजर है और कुछ और हर्बल बूटीज हैं जिससे हमें फायदा ही होगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है, प्रिपेयर कैसे करना है। बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, तो चले आए, तो चलते हैं हम अपने किचन की तरफ और बनाते हैं हम अपनी इस टी को। जी वेलकम बैक टू माय किचन, किचन में आ गई हूँ, अब बनाते हैं अपनी पीसीओएस टी। कप आपने वाटर ले लेना है, उसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। गर्म करने के साथ मैंने इस इधर ना हाफ टेबल स्पून जो है इसके अंदर टी का जाएगा। आप इसको जरा कम मिकदार में डाल लें, अगर फर्स्ट टाइम में आपको ज्यादा मीठा नहीं पसंद या उसका फ्लेवर नहीं पसंद आएगा तो आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। 1 कप आपने सुबह मॉर्निंग में पीना है, 1 कप आपने रात को इवनिंग में पी के सोना है, इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होगा।
इनफर्टिलिटी की कुछ ये भी रीजंस है कि आप बेजा स्ट्रेस ले रहे हो, आपको मोटापा हो गया है, या आप कैफीन यूज कर रहे हो जिसमें कैफीन में आ जाती है ब्लैक कॉफी या कुछ ऐसी ड्रिंक्स हैं जो आप पीते हो वो, और साथ में आप एक्सरसाइज ज्यादा ना करो, एक्सरसाइज भी कम करो। स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना, इंशाल्लाह आपको अल्लाह औलाद नवाजेगा, जरूर प्यारी सी औलाद होगी आपको। लेकिन जो लोग बातें करते हैं, बकवास करते हैं, लोगों की बकवासों पे ना आपने तवज्जो नहीं देनी, उनकी वजह से आपने परेशान नहीं होना, अपनी रातों की नींद को खराब नहीं करना। स्ट्रेस छोड़ दें, इंजॉय करें लाइफ को, मजे करें। और जब आपको अल्लाह ने औलाद से नवाजना होगा ना, तो अल्लाह ने नवाज ही देना है, अल्लाह ज़रूर देता है। अल्लाह से आपने दुआ करनी है और लोगों की बातों की तरफ ध्यान ना दें, अपने आप को स्ट्रेस में ना लेके आए। स्ट्रेस से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे इंतहा के मैसेज आते हैं कि हमें इस वजह से बहुत परेशानी है, हमें कुछ बता दें, हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हम बहुत परेशान रहते हैं। तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस ये प्रोसेस है। अल्लाह मियाँ से दुआ करें और अच्छी अच्छी चीज़ों को यूज़ करें, स्ट्रेस कम कर दें। पीरियड्स आपके रेगुलर हो जाएंगे, और इस बात को भी याद रखिएगा कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। आपने इसको पीना है तो पैनिक नहीं होना, मुझे कमेंट्स नहीं करने शुरू कर देने कि हमने 2 दिन पिया 3 दिन पिया ये हो गया वो हो गया। आपने इसको पूरे 3 महीने यूज़ करना है और उसके बाद इसकी गारंटी है। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जाके दिखा लीजिएगा, आपको इसके बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं, वो भी आपको बता देगी। अब इसके अंदर आप लेमन ऐड कर सकते हो या आप ऐड कर सकते हो एप्पल साइडर विनेगर। ये दोनों चीज़ें नहीं ऐड करना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है, वैसे आप पी लो, लेकिन जो है ना मैं एप्पल साइडर विनेगर को भी यूज़ करती हूँ, ये भी पीसीओएस के लिए बहुत फायदेमंद है। आपने इसके भी बेनिफिट्स तो देखे ही होंगे, ये कितना बेनिफिशियल है। इसके अलावा आप लेमन यूज़ कर सकते हो, वो भी आपके जो है ना कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करेगा। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और ये वीडियो को आपने शेयर करना है अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपनी बहनों के साथ, इसको जरूर शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके, उनको नॉलेज हो सके। और मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि टाइम टू टाइम मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक मिल जाए। बाय बाय।